हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रेलेवेंट फॉर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट। और ये टॉपिक जो है मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम मार्केटिंग का अर्थ समझते हैं। देखो, जनरली मार्केटिंग को लोग सेल के साथ जो है कनेक्ट करते हैं, बट मार्केटिंग जो है दैट इज मोर देन सेल। मार्केटिंग को सिंपल भाषा के अंदर हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जिसमें हम सेल और परचेज करते हैं। मार्केटिंग में भी डिफाइंड एज एन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो कि बायर और सेलर के बीच में होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर मार्केटिंग के अंदर हम वही एफर्ट्स को कवर करते थे जिसके अंदर क्या होता था कि जो गुड्स की ऑनरशिप है वो बायर को ट्रांसफर कर दी जाती थी, और किस तरह से जो सेलर है वो बायर को माल जो है पहुंचाता था, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनली हम मार्केटिंग को डिफाइन करते थे तो फोकस जो होता था सेलिंग के अंदर, कि बेचने के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता था। बट जो मॉडर्न कंसेप्ट है मार्केटिंग का वो चेंज हो गया है। उसके अंदर क्या है कि कंज्यूमर जो है दैट इज द किंग। कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको असेस किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट और सर्विस जो है बनाया जाता है ताकि कंज्यूमर को सेटिस्फाई किया जा सके। मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है दैट इज वेरी वाइड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थिंकिंग, और ये रिकॉग्नाइज करता है कि प्रोडक्शन से पहले ही मार्केटिंग शुरू हो जाती है, जिसमें हम जो कस्टमर होता है उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और वो सेल के साथ जो होता है एंड नहीं होता, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर ये होता है कि पहले कस्टमर को अंडरस्टैंड करो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसको वो प्रोडक्ट और सर्विस जो है प्रोवाइड करो, और अल्टीमेट एम जो होता है कंज्यूमर को, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना होता है, उसको डिलाइट देना होता है। नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन जो कस्टमर है उसकी आइडेंटिफाई की जाती है, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट जो है रीजनेबल प्राइस के ऊपर दिया जाता है ताकि जो हमारा कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो सके। पॉल कुलाविस के मुताबिक मार्केटिंग जो है डिस्कवरिंग व्हाट द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट होता है जो फ्यूचर के अंदर हमारा कस्टमर बनेगा, वो क्या चाहता है, क्या डिमांड है, और उसको कंपिटिटर के मुकाबले में वही चीज बेटर वे में डिलीवर की जाए। अकॉर्डिंग टू फिल पार्टनर, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस, जिसके अंदर हम टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके अंदर हम उन जो ऑडियंस है उसके साथ हम अपना रिलेशन बिल्ड करते हैं, जिसके अंदर होता है कि हम जो कस्टमर है उसको समझते हैं, उसको समझते हुए हम जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो क्रिएट करते हैं, डिलीवर करते हैं, उसको इन्फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको सेटिस्फेक्शन देना होता है, और साथ के साथ जो हमारा कस्टमर है उसको रिटेन करना होता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व मैनेजिंग डिमांड, which in turn involve managing the customer relation. देखो, मार्केटिंग को जब हम मैनेज करते हैं तो इसका मतलब होता है कस्टमर की जो डिमांड है उसको हम मैनेज करते हैं, और उसी तरह ही हम इस तरह से कस्टमर की डिमांड को पूरा करते हैं उनके साथ हम रिलेशनशिप बिल्ड करके। तो मार्केटिंग के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करना, नेचुरली अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होएगा तो आगे 10 लोगों को बताएगा, और नेचुरली जब हम कस्टमर को सेटिस्फाई और डिलाइट करते हैं रीजनेबल प्राइस पे, उसको सुपीरियर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा बिजनेस भी ग्रो करता है और हमारा कस्टमर भी जो है बेस तैयार होता है। और उसी के बेसिस पे क्या होता है कि देखो, जब हम अपनी जो मार्केटिंग है उसके द्वारा हम अपना मार्केटिंग मिक्स भी जो है उसको सोच सकते हैं, और जो लोगों को प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कोर मार्केटिंग में सबके अंदर आ जाता है कि हम जो कस्टमर है उसकी नीड्स, वांट्स एंड डिमांड को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बेसिस पे प्रोडक्ट और सर्विस जो होता है प्रोवाइड किया जाता है, फिर उसके बाद होता है कि हमने उनको वैल्यू जो है वैल्यू के बदले सेटिस्फेक्शन और डिलाइट देनी है, फिर सेल और परचेज होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट्स के अंदर जो होता है एक्चुअली जब बायर और सेलर मिलते हैं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज प्रोसेस करते हैं तो वो मार्केट को डेवलप करता है।
तो डिफरेंट कंसेप्ट जो है अंडर मार्केटिंग, प्रोडक्शन कंसेप्ट है, प्रोडक्ट कंसेप्ट है, सेलिंग कंसेप्ट है, मार्केटिंग कंसेप्ट है एंड सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट है, जिसको वन बाय वन करके हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला जो था प्रोडक्शन कंसेप्ट था, इसके अंदर क्या होता है कि प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया जाता है, सेल के ऊपर नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि देखो मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन तो है ही नहीं, इसलिए सेल के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। इसमें होता है कि मास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन की जाती है ताकि हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल बचते हों, जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो। तो यहाँ पे लॉजिक ये होता है कि जो भी हम बनाएंगे, जो भी प्रोड्यूस करेंगे, वो सारा का सारा सेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। फोकस ऑन प्रोडक्शन नॉट ऑन सेल विच इम्प्लाइज देयर इज नो हार्ड और फास्ट प्रॉब्लम ऑफ सेल ड्यू टू द लेस कॉम्पिटिशन द मार्केट, बट एवर इज प्रोड्यूस बाय द कंपनी विल बी सोल्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है ताकि हमारी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए। और प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर जो मार्केटिंग एफर्ट्स होते हैं, उसमें ये होता है कि हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना है, और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होते हैं साउंड होने चाहिए। देखो जो प्रोडक्शन कंसेप्ट का ये होता है कि हम अपनी मर्जी से जो भी प्रोड्यूस करे जा रहे हैं लार्ज स्केल पे, यहाँ पे हम जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसका इंटरेस्ट नहीं ले रहे। फिर है प्रोडक्ट कंसेप्ट। देखो प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे फोकस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। यहाँ पे हमें लगता है कि जितनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया होगी, उतना ही वो ज्यादा लोगों को पसंद आएगा। तो इट अज्यूम्स कि कस्टमर जो है, जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, उनको फेवरेबली रिस्पॉन्ड करते हैं, जिनकी प्राइस रीजनेबली प्राइस्ड है और क्वालिटी अच्छी है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का जो मेजर टास्क था, जो फोकस था कि हमने क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव करना है, और हम क्वालिटी के बेसिस पे लोगों को जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसका इंटरेस्ट नहीं देखा गया। अपने हिसाब से हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव कर दे तो ये अपने आप बिक जाएगा। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर ये चीजों पे फोकस किया जाता था, क्वालिटी के ऊपर, उसकी कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर, कि प्रोडक्ट हर जगह पे अवेलेबल होना चाहिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सेलिंग कंसेप्ट जो है, इसके अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे हम सेलिंग के एफर्ट्स के ऊपर ज्यादा होते हैं, कि जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसको ऑटोमेटिकली हम सेल नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर जो होते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती, अवेयर नहीं होते, टफ कॉम्पिटिशन होता है। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको काफी सारा अग्रेसिव जो है सेलिंग एफर्ट्स करना पड़ता है। अगर वो ज्यादा सेलिंग एफर्ट्स करेंगे तो ज्यादा सेल होगी, ज्यादा प्रॉफिट होगी। जहां पे फोकस होते हैं ज्यादा सेलिंग एफर्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे होता है कि जो भी हमने बना लिया, अगर हमने सेलिंग एफर्ट ज्यादा किए तो वो सारा का सारा बिक जाएगा। तो सेलिंग कंसेप्ट के अंदर होता है कि लोगों को हमने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करना है, अवेयरनेस देनी है, और हमारे सेलिंग एफर्ट जो होते हैं बहुत ज्यादा होने चाहिए, अग्रेसिव होने चाहिए और प्रॉपर होने चाहिए, तभी हमारा माल जो है बिक पाएगा। तो यहाँ पे सेलिंग के ऊपर फोकस ज्यादा किया जाता है। मार्केटिंग कंसेप्ट जो है, दैट इज जिसके अंदर यहाँ पे जो कस्टमर है, ही इज द सेंटर ऑफ द एंटायर बिजनेस एक्टिविटी। कस्टमर जो है इज द किंग। तो उसको जो है देखा जाता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड्स क्या है, और यहाँ पे हम कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच जो है अडॉप्ट करते हैं। कंपनी को लगता है कि जितने भी मार्केटिंग एफर्ट्स है वो हमारी कस्टमर के ऊपर फोकस होनी चाहिए, कि कस्टमर चाहता क्या है। तो यहाँ पे जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, कस्टमर को अंडरस्टैंड करते हुए प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, ताकि उसको सेटिस्फेक्शन देनी है, उसको रिटेन करना है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर कस्टमर नीड्स और सेटिस्फेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म गुडविल, क्योंकि सेलिंग के अंदर शॉर्ट टर्म होती है। मार्केटिंग के अंदर जब हम कस्टमर को देखते हुए चीजें बनाते हैं तो वो गुडविल और इमेज भी बिल्ड होती है, मार्केट शेयर भी बिल्ड होता है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बिल्ड होती है। फिर उसके बाद है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। देखो जो मार्केटिंग कंसेप्ट था ये इंडिविजुअलिस्टिक था, इसमें था कि हमने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, पर जो सोसाइटल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, ये सोसाइटी के वेलफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, कि सोसाइटी को हमने किस तरह से सेटिस्फाई करना है। हमने वही चीजें मार्केटिंग करनी है, वही चीजें बनानी है जो सोसाइटी का वेलफेयर इंक्रीज करती है। मार्केटिंग कंसेप्ट जो है इंडिविजुअलिस्टिक था, कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। सोसाइटल कंसेप्ट जो है सारी चीजों को सोचता है, एथिकल कंसिडरेशन को भी लेता है, कि क्या चीजें मार्केटिंग बननी है जो जो है सोसाइटल वेलफेयर को इंक्रीज करे।
कस्टमर सेटिस्फाई करना है, बट एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्री ऑफ आवर सोसाइटी, कि जिसमें एनवायरनमेंट भी पोल्यूट ना हो, जैसे हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो गया, कि एनवायरनमेंट की जो है सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो होता है, जो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट है, ये सोसाइटी की सेटिस्फेक्शन, सोसाइटी का वेलफेयर, लॉन्ग टर्म गुडविल, और यहाँ पे होते हैं होलिस्टिक, जिसमें हम एथिकल कंसिडरेशन को भी देते हैं।